हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर बनाएंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप बना चुके हैं, इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो के रोक कर और सबसे पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर आपका आएगा उसको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम जो भी एनालिसिस करेंगे उससे आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख क्लास के बच्चे की पसंद को दर्शाता है। आरेख है, इसमें जितने भी दिया गया है सब क्या है, बच्चा के संख्या दिया गया है। ठीक है, और पसंद करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जुपिटर, इसका मतलब क्या होगा, बृहस्पति, यानी कौन सा ग्रह, बृहस्पति, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, मार्स यानी कौन सा हो जाएगा, मंगल। ठीक है, मरकरी आप पहले से भी जानते होंगे क्या होगा, बुध। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला पूछा है, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच अंतर है। बुध और बृहस्पति समझना है, बुध वाला सर्किल ई हो गया, ठीक है, और बृहस्पति का ई हो जाएगा, समझ रहे होंगे। अब दोनों के सिर्फ क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अगर हम लोग बुध वाला के ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 इस तरह से ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर में 35। अब देखिए बृहस्पति, तो बृहस्पति कितना हो जाएगा, इतना में चलाएगा, तो 13 और 16 कितना चलाएगा, 29। ठीक है, 29 कितना चलाएगा, इसमें दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6। इतना हम लोग ले भी नहीं सकते थे, देखिए 13 जो था कॉमन इसमें दे दिया था। ठीक है, कॉमन था 13 के ऐड ना करके इसको भी इसको करके और सिर्फ इसको माइनस कर देते तो वही आ जाता, लेकिन हम समझने के लिए तीनों के ले लीजिए। जैसे देखिए 10 और 12 कितना आ जाता, 22। ठीक है, और 22 में से डायरेक्ट हम लोग कितना, 16 के माइनस कर देते तो कितना चला था, आपको चला था 6 ही, लेकिन हम समझने के लिए कि इसके इसके ही अंदर था तो इसीलिए दोनों के ऐड कर दिए, ना भी कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका आंसर पहला का कितना आएगा, ए नंबर, 6, समझ रहे हो। दूसरा देखिए, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले, ठीक है, मंगल ग्रह, केवल मंगल ग्रह बोला, यानी कि सिर्फ मंगल वाला ही सर्कल में घेरा में रहना चाहिए। ठीक है, यानी सिर्फ आप देखिएगा इस घेरा में होना चाहिए, मंगल वाला में, तो मंगल वाला में सिर्फ कितना है, यहाँ पे है 14, बाकी सब तो घेरा के अंदर है। ठीक है, तो 14 इस तरह से सबसे पहले मंगल के बोला है इसलिए ले लेते हैं 14। आगे पढ़ते हैं बच्चों का, तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले से कितना अनुपात है। ठीक है, तो कितना, तीनों ग्रह यानी कि तीनों के बीच कॉमन आना चाहिए, पहले से वेन डायग्राम बनाए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, अब पता होगा तो इस तरह से तीनों के बीच में कॉमन कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, क्योंकि बुध के भी है, बृहस्पति के भी है और मंगल में भी है। ठीक है, तो 13, तो कितना जाएगा, 14 बटा कितना चलाएगा, 13। इस तरह से आंसर हम लोग के इसका कितना चलाएगा, डी नंबर। ठीक है, दूसरा का क्या क्या होगा आंसर, डी। अब चलते हैं हम लोग इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड कहता है, तीसरा कहता है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, यानी दोनों ग्रह को पसंद करते हैं, मंगल को भी पसंद करते हैं और बृहस्पति के, तो दोनों में देखना है मंगल और बृहस्पति, तो देखिए इसमें हो जाएगा। ठीक है, तब मंगल और बृहस्पति और तो कोई में कॉमन है नहीं। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें बुध को भी बोला है, इसमें कितना, बुध भी शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा छाटा नहीं है कि बुध को नहीं पसंद किया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन पे इस पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जैसे बोला है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, अगर इसमें दे देता कि बुध को नहीं पसंद करते हैं तो आंसर कितना चला था, सिर्फ 16। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों के बोला है पसंद करने के लिए, तो इसलिए दोनों के क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तीसरा में कितना, तो 13 और 16 दोनों के ऐड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 29। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, तीन के क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बना लिए और एनटीपीसी में हर सेट में लगभग आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ फिर हम लोग कुछ नया सीखेंगे।